सी टेक्नीशियन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लिमिट स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो भाई लोगों कमेंट आ रहा था बार बार कि भाई लिमिट स्विच के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो उसको मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे इसमें कनेक्शन किया जाता है और कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये लिमिट स्विच है, ये देखिए इसके अंदर में दो किट लगे होते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड का दो किट है। जो लाल कलर का तार दिख रहा है ये मेन तार है जो दोनों किट को सपोर्टिंग करके रखता है। देखिए दोनों में लूपिंग किया हुआ है नीचे से, ये आर मेन है, बाकी वाई भी यहाँ से कंडक्टर में जाता है। ये जैसे गिट ओपन हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। ये गरारी है जो चलते चलते किट को टच कर जाता है तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरे साइड चलाने से हमारे ये फिर क्लोज हो जाता है, तो दोनों पॉइंट काम करने लगता है रिवर्स फॉरवर्ड का। ठीक है, ये देखिए इस तरह से खुलता है, चलते चलते ये सट जाता है तो फिर ओपन, यहाँ से ड्राइविंग होता है, यहाँ से ड्राइविंग होता है। ये देखिए हमारे ये दोनों तार रिटर्न गया है, ये हमारा मेन है लाल वाला और पीला और नीला, यहाँ से हमारा रिटर्न गया है। चलो पीछे दिखाता हूँ इसको, ये हमारा वर्म गैर है। ठीक है, वर्म गैर है, इस तरह का हमारा वर्म गैर रहता है, ये रेशियो को कम कर देता है, इसका चाल को कम कर देता है ये गैर। ये देखिए इस तरह का इसमें गैर लगा रहता है लिमिट स्विच में। अब इसका ये तार कनेक्शन देख लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारे ये कनेक्टर में ये कनेक्ट हुआ है, ये हमारे लिमिट स्विच से आके हमारे कनेक्टर में कनेक्ट हो गया है। ये देखिए तीन तार, लाल ब्लू और पीला। ठीक है, ये देखिए ये हमारा लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच से आके हमारा ये कनेक्टर में कनेक्ट हो गया। ये 10 नंबर जो हमारा फिर 10 नंबर हमारा मेन है, ये यहाँ से आया है। ठीक है, ये हमारा आया है इन है, ये हमारा इन है लाल वाला। देखिए दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों किट को आपस में शॉर्ट कर दिया है और वहाँ से दो तार आया है नीला और ये पीला, ये हमारे 15 और 16 को कनेक्ट करता है। ये देखिए हमारे नीला और पीला तार हमारे यहाँ से आया है लिमिट स्विच से। ये देखिए ये दोनों तार लिमिट स्विच से आया है, ये देखिए 16 नंबर और 15 नंबर में कनेक्ट हुआ है। तो हमारे 16 नंबर में कनेक्ट हुआ है और ये 15 नंबर में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ये 10 नंबर जो है हमारे, ये 10 नंबर हमारे न्यूट्रल का आया है, ये इधर से आउट हुआ है, ऊपर से इन हुआ है। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर है और ये हमारा 16 नंबर है, ये देख पा रहे हैं 16 नंबर जो, देखिए 16 नंबर कहाँ गया है हमारा, 16 नंबर देखते हैं, ये 16 नंबर हमारा दूसरा कॉन्टेक्टर का A2 में कनेक्ट हुआ गया है। देखिए 116 नंबर हमारे कॉन्टेक्टर का A2 में कनेक्ट हो गया और हमारा ये 115 नंबर हमारा कॉन्टेक्टर का पहला A2 में कनेक्ट हो गया। ये देखिए A2 में ये
कनेक्ट हो गया है कंडक्टर के कॉइल में, ठीक है। यह हमारा 104 और 105 हमारा ये मेन फेस है। ये किट है, जैसे ये ओपन हो जाएगा ये किट इस तरह से, तो हमारा लिमिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा, इस तरह का कंडक्टर ये बंद हो रह जाएगा। उसके बाद ये हमारा दूसरा किट, ये हमारा ये दूसरा किट है। जैसे ओपन होता है दूसरा किट, उसके बाद क्या होता है, ये देखिए इस तरह का हमारे एक किट खुल जाता है, लिमिट पूरा हो गया। हालांकि दूसरा साइड चले, खाली एक साइड नहीं चलेगा, जो खुला है तो इस तरह से ये देखिए कंडक्टर भी बंद हो गया है। और ये चलते चलते हमारा ये वायर रोप का ड्रम भी बंद हो जाता है इस तरह से। ये देखिए ओपन हुआ किट समझ ले बंद हो जाता है, हमारा कंडक्टर भी बंद हो गया, ठीक है इस तरह से। अब फिर वो कंडक्टर को फिर दूसरे साइड, ये एक ठो लगा है खाली एक ही साइड चलेगा, जिस साइड लगा हुआ है किट एक वो चलेगा और बाकी एक ठो ओपन है वो नहीं चलेगा। अब जैसे धीरे धीरे ये देखिए ये भी क्लोज हो गया तो वो भी राउंडिंग होने लगा, ये भी हबिस होने लगेगा, ठीक है। जिस तरह देखिए कंडक्टर भी लग गया और यह हमारा वायर ड्रम भी चलने लगा इस तरह से। ये देखिए वर्म गायर भी हमारा ये इस तरह से काम करने लगता है, ये दोनों साइड काम करता है, दोनों साइड हमारा ये गियर काम करता है। ये देखिए किट लगा हुआ है और ये हमारा गियर चलने लगता है इस तरह से। तो इसका काम इतना ही है बस। तो ये वीडियो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए जय जय भारत।